हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर्स से रिलेटेड टॉपिक, तो यानी कि चैप्टर नंबर 8 तक हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है जो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है, जो काफ़ी सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूले, और एक लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई इलेवन सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई इलेवन सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट है, वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया गया। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मैरी कॉम। मैरी कॉम वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने। नेक्स्ट, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया। विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया है, बॉलीवुड एक्टर है।